नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं इसराइल के एक ऐसे काम के बारे में जो कि उसने कुछ समय पहले किया था। जी हां, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी मस्जिद के बारे में जिसको उसने शराब खाने में तब्दील कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अवश्य लाइक करें। मित्रों, इसराइली अधिकारियों ने अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक मस्जिद को शराब खाने में बदल दिया। अरबी अखबार गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार एक स्थानीय मुस्लिम अधिकारी ने बताया कि उत्तरी फिलिस्तीन के क्षेत्र सफद के स्थानीय प्रशासन ने 13वीं सदी में निर्मित अल अहमर नाम की मस्जिद को शराब खाने और शादी हाल में परिवर्तित कर दिया। इस बारे में वार्ता करते हुए फिलिस्तीनी इस्लामी वक्फ के सेक्रेटरी खैर तवारी ने बताया कि जब मैंने मस्जिद के अंदर होने वाली विध्वंसक कार्यवाहियां देखी तो उसे बहुत अफसोस हुआ। द न्यूज अरब नामक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्र में मौजूद कई मस्जिदों की यही कहानी है। 1319 में बनाई गई एक यूनानी मस्जिद को भी आर्ट गैलरी में बदल कर वहां उपासना करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। pastoday.com पर छपी रिपोर्ट के अनुसार इस पर वहां के कई मुस्लिमों ने कोर्ट में भी अपील की है, लेकिन आज तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। ये कई मस्जिदों की कहानी है मित्रों, जिनको तमाम अन्य चीजों में बदल दिया गया और वहां पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई, और आज उन्हीं सब चीजों का एक भयंकर रूप देखने को मिला है। अब देखते हैं कि आज जो यह विध्वंसक कार्यवाही हो रही है इसका क्या निर्णय निकलता है। वैसे आपका इस पर क्या विचार है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।